चीन के सिनेमाघरों में भाईजान सलमान खान दूसरी बार अपना जादू चलाने वाले हैं। सलमान खान की फिल्म सुल्तान 31 अगस्त को चाइना में रिलीज होगी। इस फिल्म को करीब 11,000 स्क्रीन पर दिखाने की तैयारी है। साथ ही इस फिल्म के एक दिन में 40,000 शो दिखाने की भी प्लानिंग है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस किया था। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा मेन लीड में थी। आपको बता दें कि अभिनेता आमिर खान के बाद सलमान खान ही वे सितारे हैं जिनकी दूसरी फिल्म चाइना में रिलीज हो रही है। इससे पहले आमिर खान की फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार चाइना में धूम मचा चुकी है। दंगल ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर करीब 16 बिलियन की कमाई की थी। वहीं सीक्रेट सुपरस्टार ने 9 बिलियन के आसपास का बिजनेस किया था। वहीं सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान ने भी चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर करीब 5.5 बिलियन का बिजनेस किया था। अब देखना है कि भाईजान की सुल्तान चीनी सरजमी पर क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री।